हेलो दोस्तों, आज आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा जो चाइना लोकल मार्केट सीआरटी टीवी की जो है उसका अंदर एक प्रॉब्लम है कि टीवी चल रहा है, मतलब टीवी का अंदर से साउंड आ रहा है, पिक्चर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह ये एक प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ESD ऑन नहीं हो रहा है। तो जब ESD ऑन नहीं होता है तो मेनली न्यू टेक्नीशियन बताता है कि सर सब कुछ वोल्टेज ओके है, ESD सप्लाई ओके है, मेमोरी सप्लाई ओके है, मेन प्रोसेसर IC वोल्टेज सब कुछ ओके है, तब भी टीवी चालू नहीं हो रहा है, मतलब ESD ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए प्रैक्टिकली आपको ये वीडियो के अंदर देखाऊंगा इसी तरह एक प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं वीडियो पर आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये अलग से एक मोनिटर CRT पिक्चर ट्यूब है, इसका अंदर मैं एक चाइना PCB को इंस्टॉल किया। तो एक न्यू टेक्नीशियन ये PCB को मेरा पास लेके आया और ये सब PCB का अंदर ESD भी चेंज करके देखा और आउटपुट ट्रांजिस्टर भी चेंज करके देखा और बताया कि इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है, तब भी ये PCB ऑन नहीं हो रहा है, मतलब पिक्चर जो लाइट होता है लाइट ऑन नहीं हो रहा है। ये सब कुछ चेक करके देखा। तो चलिए मैं भी एक बार चेक करके देखूँगा और लाइट जब नहीं आएगा तो क्या क्या देखना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट सप्लाई मैं दे देता हूँ। तो दोस्तों सीरीज लाइन से मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद कुछ भी पता नहीं चला, सीरीज लाइट भी नहीं जल रहा है और इसका अंदर सेंसर इंडिकेटर कुछ भी नहीं लेके आया। ठीक है, मैं ऑडियो वीडियो कनेक्शन सब कुछ कनेक्शन कर दिया और इसका साथ एक स्पीकर, यहाँ पर एक न्यू स्पीकर कनेक्शन किया, ये जो स्पीकर का पॉइंट है, और ये साइड आ रहा स्पीकर, ये भी कनेक्शन कर दिया। मिले दोस्तों ये TV का स्पीकर का कभी प्रॉब्लम है तो इसलिए टेस्ट करने के लिए इसका ओरिजिनल स्पीकर ये लेके आया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं मीटर को सेट किया, अभी तक साउंड नहीं आ रहा है, तो कुछ टाइम का अंदर इसका साउंड आ जाएगा। बट चलिए इसी टाइम आपका एक बार ESD सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट है ESD सप्लाई का पॉइंट है, ESD सप्लाई देखिए 109 वोल्ट, ये ESD सप्लाई ओके है। तो दोस्तों देखिए साउंड अभी आ गया। तो दोस्तों सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया क्योंकि साउंड का वजह कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। बट आपको देखा है सप्लाई देने का साथ साथ इसका साउंड नहीं आता है, कुछ टाइम का अंदर साउंड नहीं आता है। तो चलिए आपको दोबारा कॉन्फर्म करने के लिए दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और देखिए ऑडियो वीडियो कनेक्शन सब कुछ इसका एक साथ है। ठीक है, आप अच्छा करके देखिए, पूरा टेबल का अंदर आपको दिखाता हूँ कि अभी तक इसका साउंड नहीं आ रहा है और स्क्रीन का अंदर देखिए लाइट भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और अभी ESD सप्लाई कितना है, 109 वोल्ट। तो दोस्तों अभी ESD बन रहा है कि नहीं, ये जो 184 लाइन का जो डायोड है यह पर वोल्टेज एक बार चेक करना पड़ेगा। यह पर दोस्तों देखिए 108 वोल्ट, तो इसका मतलब ESD सप्लाई जितना वोल्ट 184 लाइन पर सेम तरह ये वोल्ट है, मतलब ESD नहीं बन रहा है। तो ESD नहीं बन रहा है और दोस्तों देखिए अभी तक इसका साउंड नहीं आ रहा है। बट दोस्तों 2 से 3 मिनट का अंदर ही साउंड आ जाता है, जब साउंड आ जाता है बिल्कुल ओके। ये देखिए दोस्तों, देखिए साउंड इसका बिल्कुल ओके आ गया और पिक्चर देखिए नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा इसलिए मैं साउंड को ऑफ कर दिया। तो अभी तक देखिए इसका पिक्चर नहीं आ रहा है, इसी टाइप जब प्रॉब्लम आएगा कौन कौन वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक बार नॉर्मल तरीका से दिखाता हूँ और कौन कौन वोल्टेज मेन वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट आपको ESD सप्लाई देखा है, ESD सप्लाई ओके है, ESD सप्लाई 110 वोल्ट का जगह 109.2 वोल्ट, ये ESD सप्लाई ओके है। ESD बन रहा है कि नहीं आपको एक बार देखा है, फिर भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये 184 लाइन का डायोड पर ये देखिए ESD सप्लाई, सॉरी 184 लाइन पर वोल्टेज 108 वोल्ट, मतलब ESD नहीं बन रहा है। दोस्तों ESD जब नहीं बनेगा तो फिलामेंट सप्लाई आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, G2 वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा, फाइनल नैनेट पर वोल्टेज नहीं जाएगा, तो ESD क्यों नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट देखना पड़ेगा कि ये PCB स्टैंड बाई से ऑन है कि नहीं है।
तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जब साउंड इसका अंदर आ गया इसका मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन है। तब भी आपको कॉन्फर्म करने के लिए, एक बार दिखाने के लिए, ये जो रेगुलेटर दो ट्रांजिस्टर है, एक 5 वोल्ट और एक 8 वोल्ट, सभी पीसीबी के अंदर देखा जाता है, इसका वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका वोल्टेज कितना वोल्ट है, देखिए 8.1 वोल्ट, मतलब चलिए मीटर को यहाँ पर मैं रखता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका 8 वोल्ट ओके मिल गया, चलिए 5 वोल्ट एक बार चेक करना पड़ेगा। इसका 5 वोल्ट भी ओके है, तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका 5 वोल्ट ये ओके है और इसका 8 वोल्ट ये भी ओके है। तो दोस्तों ये जो 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट मेन प्रोसेसर आईसी का 17 नंबर पिन पर आता है कि नहीं, ये भी एक बार देखना पड़ेगा, 15 16 17। तो दोस्तों ये आईसी का 17 नंबर पिन, यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट मिल गया। तो 8 वोल्ट जब ये आईसी का अंदर आएगा, ठीक है, आप देख सकते हो ये वोल्टेज मिसिंग हो जाएगा, तो तब भी दोस्तों ई एस टी ऑन नहीं होगा। ये मेन प्रोसेसर आईसी का नंबर 8888 का आईसी है, ठीक है, इसका 17 नंबर पिन सप्लाई पिन है जो 8 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर 8 वोल्ट मौजूद है, जब यहाँ पर 8 वोल्ट आएगा तो ये आईसी का एक एच आउट पिन होता है जो 13 नंबर पिन, ठीक है, 13 नंबर पिन से एक वोल्टेज आउटपुट होगा। ये 13 नंबर पिन है, यह से एच आउट सिग्नल देखिए 2 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज मिल रहा है। और ये वोल्टेज कहाँ पर जाता है, ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर पर जाता है, डाइवर्ट ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर। यहाँ पर कितना वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों 0.4 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना वोल्ट, 0.3 वोल्ट, ठीक है, 0.34 वोल्ट का आसपास ये होना चाहिए, 0.3 वोल्ट, ये परफेक्ट है, ठीक है। तो और क्या फॉल्ट है, तो दोस्तों मेमोरी आईसी भी ओके है क्योंकि स्टैंड बाई से ये ऑन हो जाता है। मेमोरी का सप्लाई पिन आपको एक बार 5 वोल्ट सप्लाई चेक करना पड़ेगा, मेमोरी का 5 वोल्ट सप्लाई ओके है। और दोस्तों उसके बाद SCL और SDL, ये नेगेटिव है, और ये SCL वोल्टेज भी आप देख सकते हो, SCL SDL वोल्टेज ये भी ओके है, और कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। जो मेन वोल्टेज है ESD ऑन होने के लिए, आईसी का अंदर जितना वोल्ट आना चाहिए और जितना वोल्ट आउटपुट होना चाहिए, ये आपको बताया। तो दोस्तों ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसका अंदर सिग्नल वोल्ट मिल गया, बट ये ट्रांजिस्टर का जो मिडिल पिन, जो कलेक्टर पिन पर, यह पर भी एक वोल्टेज मौजूद होना चाहिए। तो इसका जो कलेक्टर पिन, इसका जो मिडिल पिन, यहाँ पर दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हो अलग अलग पीसीबी के अंदर इसका कलेक्टर पिन पर अलग अलग वोल्टेज मिलता है, ये वोल्टेज कहाँ से आता है, ये वोल्टेज आता है ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये 4 पिन वाला, बट दोस्तों इसके अंदर 5 पिन है, 1 पिन ओपन है, मेनली इसका 4 पिन है। तो इसके अंदर वोल्टेज, तो दोस्तों देखिए इसके अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। ये वोल्टेज कहाँ से आता है, तो दोस्तों चॉपर ट्रांसफार्मर का ये साइड से वोल्टेज इनपुट होता है, तो दोस्तों ये साइड पर भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों यह साइड पर वोल्टेज इन होता है और इसका अंदर एक कॉयल है, यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होता है। तो ये जो लाइन है, ये पॉइंट को चेक करना पड़ेगा, इसका अंदर एक कैपेसिटर है, ये भी शॉर्ट हो सकता है, पर दोस्तों वोल्टेज पूरा 0 है, इसलिए बीच में ये लाइन का अंदर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज 0 है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस का पहले यहाँ पर एक बार वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस का पहले यहाँ पर देखिए 20 वोल्ट मौजूद है, तो मतलब यहाँ पर जो 20 वोल्ट है यहाँ से वोल्टेज इधर भी आना चाहिए, पर दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया। तो उसका पहले चलिए मैं आपको और थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये वोल्ट कहाँ से आता है। ये जो ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज बीच में ये जो लाइन आ रहा है, देखिए यहाँ से बीच में आर एक रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी वोल्टेज दोस्तों देखिए 20 वोल्ट मिल रहा है, और ये वोल्टेज देखिए एक डायोड से आ रहा है, ये डायोड देखिए चॉपर का ये 3 नंबर पिन से कनेक्शन इधर है, और उसका पहले ये 110 वोल्ट लाइन का डायोड है, यह से 110 वोल्ट निकलता है, ये सिर्फ 10 वोल्ट अब निकल रहा है, और ये डायोड से भी वोल्टेज निकल रहा है। बट दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है इसका पास वोल्टेज मिल गया और इधर वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब ये जो वोल्टेज है ये ड्राइवर सप्लाई का वोल्टेज है, ये ड्राइवर सप्लाई का अंदर वोल्टेज नहीं आएगा तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर स्विचिंग नहीं होगा, और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर जब स्विचिंग नहीं होगा, ये कॉयल से 15625 MHz जो फ्रीक्वेंसी ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जो आता है ये नहीं आ रहा है, इसीलिए ESD ऑन नहीं हो रहा है। आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है
इसका कलेक्टर जो मिडिल पिन पर भी वोल्टेज आना चाहिए, ESD सप्लाई वोल्ट जितना है ये सेम तरह वोल्टेज आना चाहिए। ये वोल्टेज मिसिंग हो जाएगा तब भी ESD ऑन नहीं होगा। बट दोस्तों ये जो ESD पिन पर सप्लाई मौजूद है, इसलिए दोस्तों सप्लाई ESD पर जब आएगा यह पर भी वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया। चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि ये कौन पोजीशन का रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों आप अच्छा करके देखिए, ये जो पोजीशन का रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से सप्लाई, ये जो कॉयल है, ये जो चॉप ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ये जो कॉयल है यहाँ पर आता है। और इसका इसका पास दोस्तों देखिए ट्रांजिस्टर है, ये जो ट्रांजिस्टर, ये डाइवर ट्रांजिस्टर है, ये डाइवर ट्रांजिस्टर अभी स्विचिंग नहीं हो रहा है। और इसको सप्लाई देने के लिए ये रेजिस्टेंस इधर है। तो चलिए ये पोजीशन रेजिस्टेंस मैं ओपन करके मैं ढूंढ के देखता हूँ यहाँ पर कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जाता है। बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, 200 ओम्स का अंदर, 200 ओम्स का अंदर इसका ये पोजीशन पर रेजिस्टेंस यूज होता है। चलिए मैं रेजिस्टेंस ढूंढ के देखता हूँ। फाइनली दोस्तों ये रेजिस्टेंस को मैं बाहर किया, इसका कलर थोड़ा डिसकलर हो गया और मैं अलग सा पुराना PCB से, अब देख सकते हो मेरे पास ये अलग अलग बहुत PCB है, पुराना PCB है, ये PCB से ये रेजिस्टेंस को मैं निकाला और इसका जो वैल्यू पुराना PCB से जो निकाला 270 ओम्स, ठीक है, 270 ओम्स के ये रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं लगाया और ये रेजिस्टेंस को मैं सेट कर दिया। तो चलिए अभी क्या कंडीशन, इसका वोल्टेज कितना आता है, ठीक है, कितना मिलता है, सभी आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रैक्टिकली वीडियो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और मीटर को चलिए मैं यहाँ पर ही रखता हूँ और थोड़ा सा चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और स्पीकर तो मैं ओपन करके ही रखा है, तो अभी तो साउंड नहीं आएगा। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पर आपको कितना वोल्ट दिखाया, ये देखिए अभी यहाँ पर 25 वोल्ट मिल रहा है ये रेजिस्टेंस पर। और ये पोजीशन पर वोल्टेज ज़ीरो था, अभी यहाँ पर वोल्टेज देखिए 15 वोल्ट आ गया, ठीक है दोस्तों। तो उसका बाद ये जो लाइन जा रहा है ये ड्राइवर कॉयल पर कितना वोल्ट, अभी 15 वोल्ट है। और ड्राइवर कॉयल का आउटपुट पर कितना वोल्ट, ये दोस्तों देखिए 14.6 वोल्ट। और दोस्तों ये सप्लाई जो, ये जो ट्रांजिस्टर है ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इसका मिडिल पिन जो कलेक्टर पिन पर, यहाँ पर आना चाहिए, देखिए 14 वोल्ट यहाँ पर मिल गया। और दोस्तों इसका सिग्नल वोल्ट आपको 0.04 वोल्ट का आसपास होना चाहिए जो आपको बताया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये सिग्नल वोल्टेज मौजूद है, तो स्विचिंग हो रहा है, इसका मतलब TV अभी चालू हो गया। तो दोस्तों अभी आपको दिखाना चाहता हूँ ESD सप्लाई अभी जितना है, आपको बहुत वीडियो के अंदर बताया मेरे न्यू टेक्नीशियन को, ESD सप्लाई अभी देखिए 119 वोल्ट का आसपास है। जब ESD बन जाएगा, ESD ऑन हो जाएगा, तो इसका जो लास्ट नंबर पिन या से जो डायोड मिलता है 180 वोल्ट लाइन का जो डायोड है, इसका अंदर वोल्टेज बढ़ जाता है, देखिए 172 वोल्ट हो गया, ठीक है, मतलब ESD बन रहा है। ESD जब बनेगा तो यहाँ पर वोल्टेज 180 का आसपास हो जाता है, थोड़ा सा वोल्टेज कम बेसी जो दिखा जाता है, वो जो अलग अलग योक कॉइल होता है, योक कॉइल का हिसाब से उसका वोल्टेज डिपेंडेड है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।